बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कायदे के सफ़ा नंबर 5 की मशक कर रहे हैं। सबसे पहले तारीख लिखिए, दिन पीर पे टिक लगाइए, अलिफ मद्दा के दो हरफी अल्फाज आए मिलकर पढ़ें, अलिफ मद्दा पा आप, अलिफ मद्दा पा आप, अलिफ मद्दा गा आग, अलिफ मद्दा गा आग, अलिफ मद्दा ब आब, अलिफ मद्दा ब आप। आप पानी को भी कहा जाता है। अलिफ मद्दा म आम, अलिफ मद्दा म आम, अलिफ मद्दा स आस, अलिफ मद्दा स आस, अलिफ मद्दा ज आज, अलिफ मद्दा ज आज, अलिफ मद्दा न आन, अलिफ मद्दा न आन। ये खाली जगह दी गई हैं, आए मेरे साथ इसे पुर करें। अलिफ मद्दा न आन, अलिफ मद्दा न आन, अलिफ मद्दा ज आज, अलिफ मद्दा ज आज, अलिफ मद्दा ड आड़, अलिफ मद्दा ड आड़, अलिफ मद्दा स आस, अलिफ मद्दा स आस। दूसरों को भी बताएं, गर्मियों के फल में आपको कौन सा फल खाते हैं। आप फलों का ज़िक्र अपने अल्फाज में बयान करें, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन वग़ैरह। हिदायत, हुरुफ अलिफ मद्दा को मज़ीद हुरफों के साथ मिलाएं और नए अल्फाज बनाएं, जैसे कि अलिफ मद्दा र आर, अलिफ मद्दा ल आल वग़ैरह। उम्मीद है आपको अलिफ मद्दा के साथ बनाए हुए अल्फाज समझ आए होंगे और आप ख़ुद भी अच्छे से कोशिश करेंगे। हर काम को ख़त्म करने पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो सब बच्चे मेरे साथ बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।